कैसे हो मेरे प्रिय? तुम नहीं जानते कि कुछ चीजों के लिए तुम्हें इंतजार क्यों करना पड़ता है। तुम नहीं जानते कुछ घटनाएं तुम्हारे जीवन में क्यों घटित होती हैं। तुम नहीं जानते वे चीजें तुम्हें क्यों मिलती हैं जो तुम नहीं चाहते। तुम नहीं जानते क्यों मेरे होते हुए भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो। तुम नहीं जानते तुम अपने जीवन में इतने संघर्ष क्यों कर रहे हो। पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में प्रत्येक छोटी बड़ी घटना बिना किसी उद्देश्य के नहीं है। हर घटना का विशेष कारण और उद्देश्य है। भले ही अभी इस बात पर विश्वास करना कठिन हो, किंतु तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें सफलता के शिखर पर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, इस सृष्टि में उन्हीं का जीवन चरित्र इतिहास बनता है जो संघर्ष में भी ईश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हजारों पतंगे एक साथ आकाश में उड़ती हैं। उनमें से जो पतंग नीचे गिरकर फिर ऊपर उड़ान भरती है, वही सबके लिए प्रेरणा बनती है। इसी प्रकार मानव जीवन में भी है। जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है, वह मृत्यु के समय भी वैसा ही रहता है। वह जीवन में ना ही कुछ सीखता है, ना हारता है और ना ही जीतता है। अर्थात वह जीवन को व्यर्थ करता है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो भले ही संघर्ष, अंधकार और गरीबी में पैदा हुआ हो, वह अपने जीवन में उन अनुभव और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कई जन्म लेने पड़ते हैं। और यही वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य, किसी देश और सृष्टि में बदलाव करने का हुनर रखता है। जो संकट का अर्थ नहीं जानता, वह संकट को मिटाने का कार्य कैसे कर सकता है? जिसने स्वयं संघर्ष ना किया हो, वह संघर्ष की शक्ति कैसे जान सकता है? जिसने अपने जीवन में अभाव ना देखा हो, वह दूसरों की सहायता कैसे कर सकता है? और जो कभी हारा ना हो, वह जीत का महत्व कैसे जान सकता है? मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न हो, किंतु तुम जान चुके हो अब तुम्हारा जीवन निरर्थक नहीं रहा। अब तुम यह जान रहे होगे कि तुम्हें अपना जीवन पहले क्यों निरर्थक लग रहा था। तुम्हें अंतर मन में यह अनुभूति होने लगी है कि तुम्हारी दिशा सही है, भले ही अभी मंजिल ना दिखाई दे। यदि तुम मेरे विश्वास पर आगे बढ़ते रहो तो वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने की कल्पना तुम स्वयं कभी ना करते।